हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन पेपर होता है उसके 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपको समझने में मदद करेगा एग्जाम का पैटर्न, और साथ ही साथ ये आपके एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं इस ईयर के। तो फिलहाल देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें ये पूछा गया था कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या है, यानी कि जो पूर्व वैदिक आर्य थे उनका धर्म क्या था, प्रमुख धर्म क्या था। ऑप्शन थे आपके पास भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। आपको कमेंट करके बताते भी जाना है कि राइट ऑप्शन क्या है, और एनालाइज भी करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। यहाँ पूर्व वैदिक की बात की जा रही है, यानी यहाँ ऋग वैदिक की बात की जा रही है। वैदिक काल टू टाइप के हैं, ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक, तो ऋग वैदिक को ही पूर्व वैदिक काल कहते हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऋग वैदिक आर्य थे वो प्रकृति पूजा और यज्ञ पे ज्यादा बिलीव करते थे, यानी उनका प्रमुख धर्म जो था वो प्रकृति पूजा और यज्ञ था। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, यानी लौह धातु यूज की जाती थी इसके प्राचीनतम जो प्रमाण मिले हैं वो भारत के किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपके पास तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौसाम्बी या हस्तिनापुर। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है, अतरंजी खेड़ा। और अतरंजी खेड़ा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी अतरंजी खेड़ा से जब खुदाई की गई तो वहां से लौह धातु मिले, उससे ये पता लगाया गया कि हाँ प्राचीन काल में लौह धातु का इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ सी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है। सीधा सीधा देखिए तो यहाँ सिर्फ इतना पूछ रहा है कि लौह स्तंभ जो बनाया गया है वो किसकी स्मृति में बनाया गया है दिल्ली में। ऑप्शन आपके पास अशोक, चंद्रगुप्त, हर्ष या अनंगपाल। तो राइट ऑप्शन बताइए, इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो दिल्ली में लौह स्तंभ बना है वो आपका चंद्रगुप्त की स्मृति में बनवाया गया था, और ये चंद्रगुप्त किस चंद्रगुप्त की बात कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रही है, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त वंश के जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उनकी स्मृति में ये लौह स्तंभ बनवाया गया था। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, यानी पाल वंश जो था उसका संस्थापक कौन थे, जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था। यानी जो पाल वंश के संस्थापक थे उसे पाल वंश का बंगाल की आम जनता ने चुना था, राजा बनाया था बंगाल की जनता ने। ऑप्शन आपके पास गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या नारायणपाल। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल, यानी पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल को माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि गोपाल को बंगाल का शासक वहां के लोगों ने बनाया था, और गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने आदिमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो जिम्मेदार माना जाता है वो ओडायर को माना जाता है, तो उसको निम्न में से किसने मार डाला था। ऑप्शन आपके पास पृथ्वी सिंह आजाद, सरदार किशन सिंह, ऊधम सिंह या सोहन सिंह जोश। तो गाइज यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार अंग्रेज ऑफिसर जनरल ओडायर की हत्या इंग्लैंड में जाकर सरदार ऊधम सिंह ने कर दी थी। ऊधम सिंह इंग्लैंड गए थे, यानी इंग्लैंड में उन्होंने इन्हें क्या किया था, मारा था। और जनरल ओडायर इतना ज्यादा मतलब उसने क्या किया था, जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर अधाधुंध गोली बरसाई थी। और ये कांड कब हुआ था, 1919 में, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1919 में हुआ था। तो यहाँ आपका इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों ने समर्थन दिया, यानी इनमें से कौन सा आंदोलन ऐसा है जिसको हिंदुओं का भी समर्थन मिला मुस्लिमों का भी समर्थन मिला। ऑप्शन आपके पास चंपारण सत्याग्रह, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो राइट ऑप्शन बताइए। तो यहाँ गाइस जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने समर्थन दिया था, और असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, गांधी जी ने चलाया था। 1920 में गांधी जी द्वारा चलाया गया था, और ये एक व्यापक आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी थी, जिसके कारण इस आंदोलन को पहली बार
पूरे भारत से समर्थन मिला। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है सी। तो अगर आपसे ये भी पूछ लेता है कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, गांधी जी द्वारा वर्ष 1920 में चलाया गया था, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिहाफ से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इटली। माउंट एटना कहाँ है? इटली में। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं, एटना इटली, इटली यानी एटना, माउंट एटना कहाँ है? इटली में है। ये क्या है? एक ज्वालामुखी है जो कि इटली में स्थित है, और इसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भी माना जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो माउंट एटना है। ये यूरोप के सिसिली द्वीप पर स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल भी किया गया है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी एक आग्नेय चट्टान नहीं है? ऑप्शन आपके पास ग्रेनाइट, नाइस, इनावा या बेसाल्ट। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है नाइस। नाइस क्या है? ये इसे नीस भी कहते हैं, ये आग्नेय चट्टान नहीं है। नाइस चट्टान को अवसादी या रूपांतरित चट्टान कहा जाता है, यानी कि अगर आपसे यहाँ अवसादी पूछ लेता तो ये नीस ऑप्शन या नाइस ऑप्शन सही होता, लेकिन आग्नेय चट्टान पूछ रहा है तो नाइस आग्नेय चट्टान नहीं है। ये क्या है? रूपांतरित चट्टान है, अवसादी चट्टान है। इसके अलावा ग्रेनाइट, इनावा, बेसाल्ट, ये सभी आग्नेय चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण, इसे बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन आपके पास लखनऊ, ऊटकमंड, दार्जिलिंग या कोलकाता। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता, यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट है। ये कह रहे हैं कि मानस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एक नेशनल पार्क है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, झारखंड में, असम में या पश्चिम बंगाल में? तो राइट ऑप्शन बताइए कहाँ है। ये जो नेशनल पार्क है मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये असम राज्य में स्थित है, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1990 में की गई थी, और इस राष्ट्रीय उद्यान में एक टाइगर रिजर्व और एक हाथी रिजर्व भी है। यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके पास गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट या मध्य हिमालय, तो मध्य भारत। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्या है? सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से रिलेटेड है? ऑप्शन आपके पास उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। ये जो गाइस साइलेंट वैली परियोजना है ये आपकी केरल से रिलेटेड है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी जो आप वोटिंग करने जाते हैं उसकी मिनिमम एज लिमिट क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 20 वर्ष। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 18 वर्ष, यानी जो भी कैंडिडेट जो 18 इयर्स क्रॉस कर चुके हैं वही कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ वोट दे सकते हैं, उन्हीं को वोटिंग का अधिकार है। तो यहाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? ऑप्शन आपके पास वी शंकर, के हनुमंतैया, डॉक्टर एस आर सेन या ओवी एलोगेशन। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या है। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर एस आर सेल, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किस में निहित है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, भारत की संसद में, भारत के निर्वाचन आयोग में या मुख्य निर्वाचन आयुक्त में? तो राइट ऑप्शन क्या है गाइस? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग में, यानी भारत में निर्वाचन जो किया जाता है उसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? ऑप्शन आपके पास संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। गाइज यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोक हित में अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किया जा सकता है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इस क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, ये संघीय राज्य है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ। ये बहुत सारे राज्य हैं यहाँ। तो जो भारत का संविधान है उसके जो अनुच्छेद 1 है उसमें यह घोषणा की गई है कि इंडिया है हमारा राज्यों का संघ। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता, यानी जो भी सरकारी खर्च होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं सरकारी, किसके स्वीकृति के बिना नहीं हो सकते? ऑप्शन आपके पास संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय। यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना संसद की परमिशन के, बिना संसद की स्वीकृति के कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन आपके पास चौथी, पांचवी, छठी या सातवीं। बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसी में गरीबी हटाओ का आह्वान सम्मिलित किया गया था। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? आरबीआई, नाबार्ड, एआरडीसी या नेफेड। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है। जो नाबार्ड है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने की एकमात्र संस्था है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार नहीं लगाती है? ऑप्शन आपके पास उपहार कर, मनोरंजन कर, व्यक्तिगत आयकर या निगम कर। यह आपका बी ऑप्शन सही है। मनोरंजन कर जो होता है यानी इंटरटेनमेंट टैक्स, वो केंद्र सरकार नहीं लगाती है। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन आपके पास 1949, 1996, 1972 या 1990। यहाँ ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि भारत में रुपए का जो अवमूल्यन पहली बार किया गया था वर्ष 1949 में किया गया था। यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन आपके पास स्वीडन, न्यूजीलैंड, ब्राजील या फ्रांस। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश था न्यूजीलैंड। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपनानी या सुश्री जयललिता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुचेता कृपलानी। सी ऑप्शन करेक्ट है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो सुचेता कृपलानी बनी थी। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? ऑप्शन आपके पास केरल, राजस्थान, असम या हरियाणा। राइट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। सी ऑप्शन, असम राज्य में गमछा क्या एक सांस्कृतिक प्रतीक है। यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके पास महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है आपका गुजरात, 1600 किलोमीटर उसकी तटरेखा है। और गोवा की सबसे छोटी है, यानी अगर सबसे छोटी पूछ लेता कि सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है तो वो आपका गोवा हो जाता है। लेकिन सबसे लंबी तटरेखा की बात कर रहा है तो यहाँ आपका गुजरात हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? यानी जो हरित क्रांति के जनक हैं, जो माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, वो कहाँ से रिलेटेड है? ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूएसए से, मैक्सिको से। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास आगरा, हैदराबाद, मैसूर या चेन्नई।
यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मैसूर। भारत के मैसूर शहर को सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से जाना जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, अरेबियन, कालाहारी, सहारा या थार? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में है। सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। फिर कह रहा है कि पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात है, उपन्यासकार, गोल्फ खिलाड़ी, शास्त्रीय नृतक या बालू का कलाकार यानी सैंड आर्टिस्ट? बताइए इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा कि जो पद्मश्री सुदर्शन पटनायक है वो सैंड आर्टिस्ट के लिए विख्यात है, यानी वो क्या मिट्टी में मूर्तियां बना देते हैं। आपने देखा होगा समुद्र किनारे बहुत सारी इमेजेस आती हैं कि सैंड में इमेजेस बना दिया, तो वही सैंड आर्टिस्ट ही इनका क्या है, सैंड आर्टिस्ट के लिए ये विख्यात है, इनका काम है सैंड आर्टिस्ट के नाम से फेमस है ये, और ये पद्मश्री भी है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि डिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है, हिमा दास, दुती चंद, मनु भाकर या दिव्या काकरान? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस? यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि हिमा दास जी जो हैं उन्हें डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये भारत में असम से भारतीय धावक है, तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं, मनीला में, स्कॉट स्टॉकहोम में, जिनेवा में या न्यूयॉर्क में? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो आपका नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं, और साथ ही साथ ये अल्फ्रेड नोबेल जी जो थे उन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार क्या हुआ था, शुरू हुआ था। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्टॉकहोम में वितरित किए जाते हैं, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सलीम अली जी थे, जो सलीम अली जी जो थे वो क्या थे, एक विख्यात उर्दू कवि थे, एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे, एक विख्यात गजल गायक थे, या इनमें से कोई नहीं थे? यह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सलीम अली एक विख्यात पक्षी जीव विज्ञानी थे, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन आपके पास साहित्य, इतिहास, नाटक या नृत्य? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर कह रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ऑप्शन आपके पास चिल्का, वुलर, लोकटक या सांभर? बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी वुलर झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ आपका, और ताजे पानी की झील अगर आपसे पूछ लेता तो ताजे पानी की झील है सुपीरियर, यानी विश्व में ताजे पानी की झील है सबसे बड़ी सुपीरियर झील, जो कि यूएसए में स्थित है। फिलहाल इसकी बात करें जो सबसे बड़ी झील भारत में है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। कह रहे हैं मिजोरम की राजधानी कौन सी है, कोहिमा, आइजोल, ईटानगर या कर्बी एंगलोंग? तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, आइजोल में है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एजरा कप का संबंध किस खेल से है, कप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन आपके पास पोलो, हॉकी, फुटबॉल या नौका चालन? तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा पोलो, एजरा कप का संबंध है पोलो से, ए ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है कि लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, फ्रांस, स्वीडन, चीन या बेलग्रेड? यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन। लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश है स्वीडन, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फिर कह रहा है कि अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर था, मीर करजई, नेल्सन मंडेला, फिरोज गांधी या एम के गांधी? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नेल्सन मंडेला जी थे वो अफ्रीका के गांधी के नाम से जाने जाते थे, मशहूर थे, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, यानी ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, वर्ष 1947 में, वर्ष 1950 में, वर्ष 1927 में या वर्ष 1950
36 में, तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना है वर्ष 1936 में हुई थी। फिर कह रहा है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, बंकिम चंद चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू या अरविंद घोष। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में मलखम को अपना राज्य खेल घोषित किया है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली या कर्नाटक। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश ने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया है, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर कह रहा है कि संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं किससे, लेड के, क्रोमियम के, सिलिकॉन के या सोने के। यहाँ आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन के बने होते हैं। फिर कह रहा है कि अनुपम क्या है, एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, या नवनिर्मित प्रक्षेपात्र है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनुपम क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। फिर पूछ रहा है कि न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई कौन सी है, केबी, एमबी, जीबी या टीबी। सबसे न्यूनतम क्या होता है, केबी होता है। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रोसिस्टम, नोबेल या ओरेकल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जावा को सन माइक्रोसिस्टम ने विकसित किया था। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या गुजरात। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर पूछ रहा है कि भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत में पूरा हो गया है, रामपुर, लखनऊ, अयोध्या या कानपुर। तो यहाँ आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर ग्राम पंचायत में पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस तैयार किया है, केरल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। यहाँ आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, केरल ने, केरल राज्य ने भारत में पहला राज्य, यानी केरल भारत का पहला राज्य है जिन्होंने पक्षी एटलस तैयार किया है। फिर कह रहा है कि कौन सा देश बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 की मेजबानी कर रहा है, भारत, फ्रांस, ब्रिटेन या मलेशिया। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारत बहुपक्षीय अभ्यास मिलान की जो मेजबानी कर रहा है 2022 की, वो भारत कर रहा था। तो इस हिसाब से हमने इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन देख कर लिए हैं, और आपने एनालाइज भी किया होगा कि कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आए हैं, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ आपके पॉलिटी से रिलेटेड है, कुछ जियोग्राफी से रिलेटेड है, यानी सब कंबाइंड है। जो एवरेज अगर हम बात करें कि आप कैसे तैयारी करेंगे, तो इसकी एक ही तैयारी है, आप डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए जीएस के, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत जो मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चंस उन्हें भी आप याद कर लीजिए। बाकी जो मार्क्स गेनिंग होते हैं वो आपके रीजनिंग और हिंदी ही होते हैं, हिंदी या इंग्लिश, इसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पेपर, यानी जो आपका सेकेंड आता है, ये तो प्रथम प्रश्न पत्र की हमने बात की जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया, अब सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन पेपर डेली मिलते रहेंगे और नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड होती रहेंगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।